डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. द चैप्टर नेम इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स. टेम्परेट मीन्स नीदर टू कॉल्ड नीदर टू हॉट, जो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे हैं. सॉफ्ट ग्रासलैंड्स. इन द फर्स्ट थ्री वीडियोज वी हैव लर्नड लोकेशन, क्लाइमेट, ग्रासलैंड्स and life in the region. Now in this video we are going to study farming in temperate grasslands. Temperate grassland lie in the temperate zone. ये किस में है? Temperate zone में. Temperate means जहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड है और ना ही गर्मी है, वहाँ पर यह soft घास के मैदान है. एंड आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज में इनको अलग अलग नेम से जाना जाता है. इन नॉर्थ अमेरिका में इट इज़ कॉल्ड बाई प्रेरिस. नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरिस. ये जो ग्रीन एरिया है डिफरेंट कंट्रीज में, ये किसको शो कर रहा है? ग्रास लैंड्स को. इन नॉर्थ अमेरिका इट इज़ कॉल्ड बाई प्रेरिस. इन साउथ अमेरिका इट इज़ कॉल्ड बाई पैम्पस. एंड इन यूरेशिया इट इज़ कॉल्ड बाय स्टेपिस. अफ्रीका इट इज़ नॉन बाय वेल्ट्स. एंड ऑस्ट्रेलिया इट इज़ नॉन बाय डाउंस. अगेन लिसन, नॉर्थ अमेरिका प्रेरिस, साउथ अमेरिका पैम्पस, अफ्रीका वेल्ट्स, यूरेशिया स्टेपिस एंड ऑस्ट्रेलिया डाउंस. दीज आर द टेम्परेट ग्रास लैंड दैट लाई इन टेम्परेट जोन and are called by different names in different countries. Farming. In this video, we are going to study farming in temperate grassland. The soil in temperate zone. Temperate zones में जो soil है, वहाँ की मिट्टी है, is dark, वो गहरी है, and fertile, उपजाऊ मिट्टी है. In the prairies of North America. In North America, temperate grassland are called by prairies. North America में grassland को, घास के मैदान को prairies कहा जाता है. In the prairies of North America, crops such as wheat, गेहूँ, barley, जौ, rye, flax, अलसी के बीज, oats, जई are grown, उगाए जाते हैं. This area is also known as, इस एरिया को ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड. ग्रैनरी मीन्स अन्नभंडार, संसार का अन्नभंडार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अनाज है वो सबसे ज़्यादा होता है. क्रॉप्स सच एज वीट, बैरले, राय, फ्लैक्स एंड ओट्स आर ग्रॉन इन दिस ग्रासलैंड्स. इन ग्रासलैंड्स में स्पेशल ग्रासेस सच एज अल्फाल्फा एंड क्लावर मीन्स लॉन्ग आर ग्रॉन उगाए जाते हैं एज फूडर फॉर एनिमल्स. फूडर मीन्स चारे, पशुओं के चारे के लिए. इन दिस ग्रासलैंड्स स्पेशल ग्रासेस सच एज अल्फाल्फा एंड क्लावर आर ग्रॉन एज फूडर फॉर एनिमल्स. ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम, जो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द ग्लोबल मीट के एंड ग्रेन प्रोडक्शन और अनाज के प्रोडक्शन में. ग्रासलैंड इकोसिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल मीट एंड ग्रेन प्रोडक्शंस. ह्यूमन हैव यूटिलाइज्ड, जो ह्यूमन बींग्स है वो इसको यूटिलाइज कर रहा है, इसका उपयोग कर रहा है, दिस इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम का, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई हजार सालों से. ह्यूमन हैव यूटिलाइज्ड दिस इकोसिस्टम फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. अगेन लिसन, फार्मिंग इन टेम्परेट ग्रास लैंड, द सॉइल इन टेम्परेट जोन इज डार्क एंड फर्टाइल. इन द प्रेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्रॉप्स सच एज वीट, बैरले, राई, फ्लैक्स एंड ओट्स आर ग्रॉन. दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड. इन दिस ग्रास लैंड्स स्पेशल ग्रासेस सच एज अल्फाफा एंड क्लावर आर ग्रॉन एज फूडर फॉर एनिमल्स. Grassland ecosystem contributes to the global meat and grain production. Humans have utilized this ecosystem for thousands of years. Now this is activity. In this activity, we have to tick the correct option.
हमने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. वी हैव वॉच्ड द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वीडियोज. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियोज वी हैव टू डू दिस एक्टिविटी. द फर्स्ट इज विंटर इन टेम्परेट रीजन इज वेरी हॉट. नाउ इन फर्स्ट वीडियो वी हैव रेड दैट विंटर इन टेम्परेट जोन इज वेरी कॉल्ड. जो विंटर है टेम्परेट जोन में वो बहुत ज़्यादा ठंडी है. एंड समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म. और जो समर होती है वो छोटी होती है और गर्म होती है. सो दिस इज रॉन्ग. विंटर्स इन टेम्परेट जोन इन राइट इन इज वेरी हॉट. दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, मोस्ट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन टेम्परेट जोन. यस, मोस्ट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन लाइक प्रेरिस इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस इन साउथ अमेरिका, स्टेपिस इन यूरेशिया, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड वाइल्ड्स इन साउथ अफ्रीका. सो मोस्ट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन टेम्परेट जोन. दिस इज द राइट ऑप्शन. दिस इज द राइट ऑप्शन. वी हैव टू पुट हियर राइट. नेक्स्ट, डिफरेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड स्पोर्ट द सेम टाइप ऑफ स्पीशीज. नॉट डिफरेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड स्पोर्ट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. अलग अलग ग्रासलैंड्स में अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं. नॉट सेम टाइप ऑफ एनिमल्स. सो दिस इज रॉन्ग. वी हैव टू पुट हियर. वी हैव टू पुट हियर रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द पेरिस इज द मीट पैकिंग इंडस्ट्री. येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द पेरिस इज द मीट पैकिंग इंडस्ट्री. क्योंकि जो यहाँ का इको सिस्टम है कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोबल मीट एंड ग्रेन प्रोडक्शन. दिस इज द राइट. लास्ट वन इज अ वॉल इज अ स्मॉल रोडेंट. एक वॉल स्मॉल रोडेंट है रिजेम्बलिंग अ कैट. जो कैट की तरह होता है. नो, अ वॉल इज रिजेम्बलिंग अ माउस. ये किसकी तरह होता है? माउस की तरह होता है. लुक एट द स्क्रीन. वॉल, दिस इज अ वॉल. इट इज अ स्मॉल रोडेंट. ये एक स्मॉल रोडेंट है एंड रिजेम्बलिंग अ माउस. जो किसकी तरह है? इसकी रिजेम्बलेंस किसकी तरह है? माउस की तरह है. सो दिस इज द रॉन्ग. अ वॉल इज अ स्मॉल रोडेंट रिजेम्बलिंग अ माउस, नॉट अ कैट. लेट्स revise the main key point of this chapter. The first key point is most of the grasslands, jo ye temperate grasslands hain, are located in the temperate zone of the world. ye kahan par hain? World ke temperate zones mein. Second is the life in the temperate zones. jo temperate zone mein life hai is difficult, bahut zyada difficult hai due to harsh climate conditions. क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है, क्लाइमेट में वेदर, जो वहाँ का जलवायु है वो कैसी है? हार्श है, स्ट्रगलफुल है. द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द टेम्परेट जोन. वो फैक्टर जो टेम्परेट जोन के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं इज द लेटिट्यूड और द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. कि उनका इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है. द फैक्टर डेट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द टेम्परेट जोन. कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से डिस्टेंस. द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका. जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड हैं आर ऑल्सो कॉल्ड. उनको क्या कहा जाता है? ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड. ग्रैनरी मीन्स अन्न का भंडार, अनाज का भंडार. अनाज का भंडार वर्ल्ड का. एस मैनी क्रॉप्स. क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स सच एस वीट, गेहूँ, बैरले, जौ, राई, फ्लैक्स, अलसी के बीज एक्सेट्रा आर ग्रोन देयर. ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर इम्पॉर्टेंट ग्रेन एंड मीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स. जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रेन, अनाज एंड मीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स में. मीन्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट. क्योंकि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये कंट्रीब्यूट करता है वीट, ग्रेन एंड मीट प्रोडक्शंस में. ग्रासलैंड्स आर मिनरल रिच. ये खनिज पदार्थों से, खनिज भंडार से भरपूर हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर फाउंड देयर इन ग्रासलैंड्स में, टेम्परेट जोन में.
मैनी टाइप्स कई तरह की इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। सो दीज आर द मेन इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट जोन।